भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा है कि राज्य की भाजपा सरकार ने काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़े अंतर्राज्यीय विवादों का समाधान कर उन्हें धरातल पर लाने का काम किया है। सांसद तिवारी ने आज भाजपा मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि ईआरसीपी और यमुना जल समझौते जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को कांग्रेस ने गर्त में डलते देखा। उन्होंने कहा कि अब यमुना जल समझौते से हरियाणा से राजस्थान को 1,917 क्यूसेक पानी मिलेगा। इसके लिए 4 माह में डीपीआर तैयार कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना जिले को पानी मिलेगा। जो इंटरस्टेट मीटर्स राजस्थान के थे, जो बहुत दिनों से पेंडिंग थे और जिसको कांग्रेस पार्टी ने गर्त में डाल दिया था, उन दो बड़े कामों को गर्त में से निकाल कर धरातल पर लेकर आए। अब जो भजन लाल जी ने समझौता किया है, उस समझौते में राजस्थान को 1917 क्यूसेक पानी यमुना नदी से मिलेगा। अब ये जो पानी मिलेगा वो पानी फ्लड वाटर होगा और इसके लिए 3 डैम बनाए जाएंगे। उन 3 डैमों का नाम है, एक का लखवाड़ा, एक का रेणुका जी, एक का किसाऊ। इन 3 स्थानों पर हरियाणा में डैम बनेगा और ये राजस्थान को पानी आएगा। राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने मिलकर ये तय किया कि ये पानी आएगा पाइपों के द्वारा। 11-11 डायमीटर की 3 पाइप लगेगी और वो तीनों पाइप चलकर आएगी, फिर पानी चूरू जिले में आएगा, फिर वहां से 4 जिले जो शेखावाटी है उनको 1917 क्यूसेक पानी, 577 MCF पानी राजस्थान को मिलेगा। और ये चूरू, झुंझुनू, सीकर और अब नीमकाथरा भी जिला बन गया है, 4 जिलों को पानी मिलेगा।